तो चलो प्यारे बच्चों, हम लोग एक इसी डाइपोल में एक आर्टिकल करते हैं जिसका नाम है ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सबको पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखूँगा तो वो जो डाइपोल है वो क्या करेगा भाई, ऑसिलेट करेगा। क्यों ऑसिलेट करेगा? क्योंकि उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, जो कि हमें पता है कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि प्लस से स्टार्ट होकर माइनस को जाती है, तो प्लस वाले पे इधर फोर्स लगाएंगी, माइनस वाले पे इधर फोर्स लगाएंगी और एक नेट फोर्स तो जीरो होगा बट नेट कपल क्रिएट हो जाएगा और ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा, ठीक ना। लेकिन जब डाइपोल यहाँ आता है तो वो रुक नहीं पाता है इनर्शिया की वजह से, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो आगे चला जाएगा। जैसे ही डाइपोल आगे जाएगा वैसे ही टॉर्क सेंस ऑफ रोटेशन बदल जाएगा और वो जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगा भाई, वो जो है अब पहले क्लॉकवाइज था तो अब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो पहले के आर्टिकल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इससे पहले आपको मैं आगे प्रोसेस करूँ एक बार इसका वीडियो आपको दिखा देता हूँ एनिमेशन, जिससे थोड़ा आपको ज़्यादा फील आए कि कैसे रोटेट करेगा डाइपोल। देखो अब यहाँ देखो, देखो डाइपोल ऐसे है, इस सिचुएशन में है तो ये हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा। देखो फील्ड की डायरेक्शन, अब अभी देखो डाइपोल ऐसे है तो ये वाला एंड इधर आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ये डाइपोल ऐसे इनफाइनाइट टाइम के रोटेट करता रहेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहाँ इनका इक्विवेलेंट मास फोकस है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर आएगा और ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। अब हमें क्या करना है कि इस ऑसिलेशन का बच्चों टाइम पीरियड निकालना है। तो अगर मैं इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालूं तो टाइम पीरियड भाई ये SHM होगा या पीरियोडिक ऑसिलेशन होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें बाद में ही पता चलेगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो टॉर्क जो इस पे लग रहा है, टॉर्क जो पहले वाला आर्टिकल था, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin θ, इससे पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अगर यहाँ से अगर अगर तुम देखोगे ये जो थीटा है, अगर ये छोटा एंगल है d θ हो तो उस वक्त जो टाउ है, ये एंगल अगर d θ सेंस ऑफ रोटेशन हो तो थीटा की वैल्यू अगर छोटा हो d θ हो तो उस वक्त मैं इस टाउ की जो वैल्यू लिख सकता हूँ उस लिख सकता हूँ PE sin d θ। और PE sin d θ को मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूँ, देखो PE sin θ को मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू PE d θ, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखोगे ये जो टाउ है, टॉर्क की वैल्यू, अब रोटेशन में चले जाओ, रोटेशन में आप पढ़े होगे रोटेशन में कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। तो इस टाउ को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि I α मल्टीप्लाइड बाई PE d θ, वेयर d θ इज द स्मॉल एंगल, P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये इसका मास m है, इसका भी मास m है, तो इन दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इस अल्फा को लिख सकता हूँ PE d θ और डिवाइडेड बाई यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। देखो सिंस अल्फा सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है, और अगर तुम देखोगे सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि हॉरिजेंटल से अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ से भाई एंगल लेते हैं तो इन दोनों के, इसलिए मैं यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ, तो ये वाली चीज़। अब तुम SHM में चले जाओ, SHM में अगर तुम जाओगे SHM में, उसमें तुम पढ़े होगे एंगुलर एक्सलेशन अल्फा इज इक्वल टू -ω² थीटा हुआ करता था, तो यहाँ पर -ω² d θ, ठीक है ना। अब इन दोनों का अगर मैं कंपेरिजन करूँगा, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि अल्फा, अगर तुम यहाँ से देखोगे जो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल है, अल्फा खुद प्रोपोर्शनल आ जा रहा है किसके, -d θ के, मतलब स्मॉल एंगल के लिए ये जो मोशन होगा ये SHM होगा। स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा ये मोशन, SHM होगा। तो SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM होगा, ठीक है ना, लार्जर के लिए नहीं होगा भाई।
तो यहाँ से जो अल्फा है इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, उस एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी अपन आई। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो, तो यहाँ से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी पी अपन आई अंडर रूट। तो एक फार्मूला मुझे यहाँ से मिल गया, और जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 1/2 पाई और पी अपन आई। आई मैं बताता हूँ यहाँ कौन क्या है, और अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखोगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा, ओमेगा को 2π t रख दो तो 2π मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई डिवाइडेड बाई पी ई। तो दिस इज द बेसिकली द टाइम पीरियड, क्योंकि मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ ना बाई 2π t, अपड़े हो गया। तो ये जो फार्मूला आ गया इसमें कौन क्या है इसको समझो, टी जो है उस एसएचएम का टाइम पीरियड है जो जिससे ये इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा अगर एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई आइडियल केस में। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ मासेज ऑफ चार्ज, जो मासेज ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उसके पास जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है मासेज ऑफ चार्ज अबाउट एट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। और पी यहाँ डाइपोल मोमेंट यूज हुआ है और ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हुआ है जो कि यहाँ पर यूनिफॉर्म है अभी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली चीज़। तो इस टाइम पीरियड से ये इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा। आई होप कि ये वाला जो आर्टिकल है वो समझ में आया होगा। लेकिन अगर तुम देखोगे इसमें तो मैं सिंस पूरी कंप्लीट कंटेंट पढ़ाता हूँ, बहुत सारे जो है वो यहाँ से ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड तो हम निकाल लिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा डाउट आता है कि सर अगर मास डिफरेंट डिफरेंट हो तब क्या होगा। तो उस केस को मैं करने जा रहा हूँ। अगर मास सेम है तो देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर भी मास सेम कर दिया, चलो मास मैंने सेम कर दिया, ये चार्ज m है जिसका मास m है, चार्ज की हुए इसका मास m है, तो ये सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगा। और अगर ये डिस्टेंस पूरा का पूरा 2L है ये डाइपोल की लेंथ, तो ये वाली L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये L हो गई तो यहाँ से देखोगे जो सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं यहाँ ओरिजिन ले लेता हूँ इस पॉइंट पे 0, 0 ओरिजिन ले लेता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा, ओरिजिन से देखते हैं कहाँ आता है सेंटर ऑफ मास, पड़े हो गए m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिंस दोनों मास सेम है तो m1 क्या है ओरिजिन पे है, तो मास m1 और ओरिजिन पे 0 प्लस m2 और मल्टीप्लाइड बाई इसका डिस्टेंस 2l है, और m प्लस m तो कुल मिला के कितना आ जाएगा यार 2ml डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो mm खत्म हो गया, तो जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया वो L पर आ गया, मतलब मिड पॉइंट पे लाई करेगा दोनों से। तो अब यहाँ देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया I, तो I निकालोगे यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालोगे प्यारे बच्चों, तो वो देखो कितना आता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया पहले वाले मास का क्या लिखते हैं भाई, m1 r1 स्क्वायर दो मास हैं और m2 r2 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो पहला वाला मास और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल स्क्वायर, दूसरा वाला मास उससे परपेंडिकुलर एल स्क्वायर, ठीक है। तो ए आ जाएगा 2ml² दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड क्या होता है 2π मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सिचुएशन में आ जाएगा 2π और मोमेंट ऑफ इनर्सिया 2ml² डिवाइडेड बाई डाइपोल ई अंडर रूट यहाँ से। तो फाइनली अगर कंक्लूड करोगे तो यहाँ से 2π और यहाँ से आ जाएगा 2πL और यहाँ से 2m अंडर रूट PE, दिस इज द फाइनल यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब अलग अलग वैल्यू रख के आप अलग अलग कैलकुलेट यहाँ कर सकते हैं, यदि लाइक एज यू विश। तो यहाँ से तुम बड़े आराम से कैलकुलेट, लेकिन अगर मास अलग हो गया तो कभी कभी देखो मास को अलग हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेंटर ऑफ मास पड़े हो, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ आता था, मिड पॉइंट पे आता था, इस पॉइंट पे आता था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा क्योंकि जो ये मास मैंने 2m कर दिया, डबल कर दिया,
चार्ज का मास, और ये जो चार्ज है चार्ज सेम है दोनों पे, तभी तो डाइपोल होगा, एक क्यू है लेकिन मास तो अलग हो सकता ना। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर मास के पास लाई करेगा, ठीक है। तो अगर हैवियर मास के पास लाई करेगा तो यहाँ पर अगर मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर मैं ओरिजिन ले लूँ, तो यहाँ पे 0.0.0 ले लूँ यहाँ से मैं, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं कि इन दोनों से कितने डिस्टेंस पे आ रहा। सिंस अगर ये डिस्टेंस 2L था, ये वाली डिस्टेंस 2L थी मिड पॉइंट से यहाँ पर, तो मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास आया होगा। तो यहाँ से x cm सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय मास m1 प्लस m2। तो पहला वाला ओरिजिन पे है तो इसका तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है, और इसका मास m है प्लस दूसरे वाले मास का m है, वो डिस्टेंस 2L पे है, और ये डिवाइडेड बाय मास 3m आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे m नियम को करते तो 4L/3, दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द स्मॉल m, स्मॉल m से फ्रॉम स्मॉल m, स्मॉल m मास से सेंटर ऑफ मास इतनी दूर आएगा, ठीक है। और अगर तुम देखोगे छोटू वाले से बड़े वाले से, फ्रॉम फ्रॉम लार्जर मास, लार्जर मास 2m से सेंटर ऑफ मास कहाँ, ये वाली डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 2L-x, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 2L-x, तो ये 2L-4L/3, तो ये आ जाएगा भाई 2L/3 डिस्टेंस पे आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 2L था, तो ये 2L/3 पे आ जाएगा, दैट इज़ द x2 इसको मान लो, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस, और इसको कुछ x1 मान लो, ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस पूरी x2 मान लो। सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास जो होता है लार्जर मास से x2 डिस्टेंस पे है और स्मॉलर मास से x1 डिस्टेंस पे है। तो अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखूँ, तो पहला वाला मास x1 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला मास और x2 का स्क्वायर, तो पहला वाला मास m है और x1 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 4L/3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला मास कितना है 2m, और ये आ जाएगा 2L/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 16L²/9 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 2m और ये आ जाएगा 4L²/9, तो यहाँ से आ जाएगा 16L²/9 और ये प्लस 8ML²/9 ये वाला, ठीक है। तो कुल मिला के तुम यहाँ से देखोगे तो 24ML²/9 ये वाली चीज़, अगर 24ML² यहाँ से तुम देखोगे तो 3 से 3 टाइम्स कट गया और यहाँ से 6 टाइम कट जाएगा, तो 6ML² यहाँ से 8 टाइम कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 8/8ML²/3, तो 8ML²/3 दिस इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब यहाँ से टाइम पीरियड लिखोगे तो 2πi मतलब 8ML²/3 और डिवाइडेड बाई यहाँ से तुम जो रखोगे वो है PE√, दिस इज द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इस तरह से हम लोग बच्चों कैलकुलेट करेंगे जब मास अलग अलग होगा। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ के मज़ा आ गया होगा कि जो डाइपोल है वो ऑसिलेट करता है और उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखो।